friends, hope you all are doing well and taking very good care of yourself and your family as well. हाजिर हूँ आज एक नई स्टोरी के साथ. दोस्तों, आज की स्टोरी दिल को छू लेने वाली है, ज़रूर सुनिएगा ध्यान से. दो फैमिलीज की स्टोरी है. एक फैमिली में 9 ईयर्स ओल्ड एक लड़की होती है, बच्ची होती है, जिसका नाम कैथरीन होता है. तो आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, कैथरीन के ही शब्दों में ये स्टोरी सुनाऊंगी. तो कुछ इस तरह से है. हम चारों भाई बहन आज बहुत खुश थे, आज बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आज हम सर्कस देखने जा रहे थे. शहर में एक नामचीन सर्कस आया हुआ था. टिकट्स काफ़ी महंगे थे, तो हमने पापा से काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो पापा ने कहीं से पैसों का इंतज़ाम किया था और हमें सर्कस दिखाने ले जाने वाले थे. क्योंकि हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, तो पैसों का जुगाड़ करना थोड़ा सा पापा के लिए मुश्किल था, लेकिन हमारी खुशी के लिए उन्होंने किया. जब हम टिकट काउंटर पे पहुँचे, तो हमने देखा कि टिकट काउंटर पे पहले से एक फैमिली थी. फैमिली में पेरेंट्स और उनके 8 बच्चे हमें दिखाई दे रहे थे. बच्चों की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो आपस में कज़न्स थे. कुछ देर के बाद हमने ये महसूस किया कि काउंटर पे जब वो जाते हैं टिकट के लिए, तो उनको पैसे कुछ कम पड़ रहे होते हैं. दोनों पति पत्नी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं. इन सब बातों से बेखबर 8 बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं. उनको देखने से जो उनके जो हाव भाव था, जो उनकी ड्रेसिंग सेंस थी, जो कपड़े थे, उनको देखने से लग रहा था वो भी हमारी ही तरह की एक फैमिली से बिलोंग करते थे. बच्चे के बातचीत करने का जो तरीका था, जो शालीनता थी, जो अंदाज़ था, वो काफ़ी प्रभावित कर रहा था. बच्चे खूब खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे. उनकी बातों से ही ऐसा लगा कि वो पहली बार सर्कस देखने आए हुए थे. वो सर्कस में जो एनिमल्स को देखते आगे, उनके बारे में बातचीत कर रहे थे, खुश हो रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे. लेकिन उनके पेरेंट्स थोड़े परेशान थे. उनकी परेशानी को मेरे पापा भांप गए थे, जो कि उनके जस्ट पीछे खड़े थे. पापा ने क्या किया कि अपनी जेब से उतने ही रुपये के नोट, जितने के उनको कम पड़ रहे होंगे मेरे पापा ने सुना होगा, तो उन्होंने अपनी जेब से नीचे ड्रॉप कर दिया और उनको पीछे से टैप करके बोला कि भाई साहब, आपका रुपया नीचे गिर गया है, आपकी जेब से एक नोट नीचे गिर गया है. वो जो थे आगे खड़े, वो पलटते हैं और वो नीचे झुक के नोट उठाते हैं. उसके बाद जो उनके आँखों में जो एक ग्रैटिट्यूड का भाव था, वो हमने साफ देखा. हमारे पेरेंट्स ने और हम चारों भाई बहन ने साफ साफ उनकी आँखों में देखा. उन्होंने इशारों से, अपने हाव भाव से काफ़ी बार मेरे पापा को थैंक्स भी करने की कोशिश की, थैंक्स भी किया. वो नोट लेकर के वो काउंटर पे जाते हैं और बाकी बचे हुए पैसे पे करते हुए टिकट्स कलेक्ट करके अपने बच्चों के साथ वो सर्कस की तरफ बढ़ जाते हैं. उसके बाद चूँकि हम भी बहुत ज़्यादा, पापा के पास भी पैसे नहीं थे, वो जुगाड़ करके हमें ले गए थे, तो पापा ने हमें बताया कि अब 6 लोगों का टिकट लेना संभव नहीं है, इसीलिए हमें घर वापस जाना पड़ेगा. लेकिन जो खुशी हमने देखी पापा की आँखों में भी किसी की मदद करने पर, और जो लोग जिनकी मदद हुई उनकी आँखों में भी जो एक खुशी थी, जो एक संतुष्टि का भाव था, उनको देख करके हम चारों भाई बहनों में और हमारे पेरेंट्स में भी एक गज़ब का अंदर एक आत्मसंतुष्टि का भाव आया. उनकी खुशी को हमने अपने में महसूस किया और हम खुशी खुशी घर लौट गए. हमें ज़रा सा भी निराशा का भाव नहीं आया, क्योंकि पापा ने रैंडमली किसी की इस तरह मदद की थी, और वो भी इस तरह से कि किसी को आसपास कानों कान भनक भी ना लगे, और उनको भी उन्होंने डायरेक्ट नोट नहीं हाथ में दे करके नीचे ड्रॉप किया था, ताकि उनकी मदद भी हो जाए और वहाँ खड़े लोगों को पता भी ना चले कि इस तरह से मदद हुई है. क्योंकि जो रिसीव करने वाला होता है, उनकी आँखों में पहले से ही एक ऐसा ग्रेटिट्यूड का भाव होता है कि उनकी नज़रें पहले से ही झुक जाती हैं. तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा कि अगर किसी की ऐसे मदद करें, तो ऐसे मदद करें कि अगर दाएं हाथ से मदद करें तो बाएं हाथ तक को भी ना पता चले. जब हम छोटे थे तो हमारी दादी हमें यही सिखाया करती थी. जैसे कि कैथरीन के फादर ने मदद की और वहाँ किसी को पता भी ना चला, और मदद भी
किसी की ऐसी ही रैंडम कर दिया करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे हमारा कुछ संबंध ही हो, क्योंकि ऐसे रैंडम मदद करने से भी एक बहुत खुशी का एक सुखद अनुभूति होती है, जो कि हमें एक गज़ब के आत्मविश्वास से, एक गज़ब के एहसास से भर देती है। तो दोस्तों, आगे अगर किसी की मदद करने का ऐसा मौका आए तो इसी तरह मदद करें, क्योंकि जो रिसीव करने वाला होता है उनसे कहीं बड़ा देने वाला होता है, और रिसीव करने वाले की आंखें पहले से ही ग्रैटिट्यूड से इतनी झुकी होती है कि उनके इस चीज़ का प्रदर्शन करना कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा करने से वो खुद से भी नज़रें नहीं मिला सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी इतना प्यारा सा संदेश लिए हुए थी आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करके रखें। आऊँगी फिर अगले फ्राइडे को एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। स्टे ब्लेस्ड।